जय श्री राम. वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लासेस. एंड इन दिस क्लास सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस. सो नाउ वी विल शिफ्ट आवर फोकस अपॉन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अभी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे. तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसका जो पहचान है वो रहा था, रही थी है. इसके जो स्ट्रक्चर है वो भी वाज वेयर प्लस इसका डिटेल में हम आगे देखते हैं. तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान क्या है? रहा, रही, रहे. जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे तो रहा है, रही है, रहे हैं, है था. अभी जब पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे आप, रहा था, रही थी, रहे थे. यहां पर थे लग गया, रहा वही रह गया, रहा रह गया, इसीलिए कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस का मतलब यह होता है कि गुजरे समय में, भूतकाल में ऐसे कार्य का वर्णन है जो आरंभ हुआ था और जिसके पूर्ण होने की बात नहीं हुई है. पूर्ण कब हुआ नहीं पता, आरंभ हुआ था. जैसे टू शो एन एक्शन इज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट इज, जब मैं घर पर था, नवेंदु अपना गृह कार्य पूरा कर रहा था, मेरी माताजी हमारा नाश्ता तैयार कर रही थी. टू इंडिकेट द कंटिन्यूअस नेचर ऑफ द एक्शन, आप कल क्या कर रहे थे? कल दिन भर वर्षा हो रही थी. तो ये सब उसके एग्जाम्पल हैं. टू इंडिकेट दैट एन एक्शन वॉज गोइंग ऑन व्हाइल समथिंग एल्स वॉज हैपनिंग, जिस समय कामनी गा रही थी, लता नाच रही थी. यहां पर दो सेंटेंस को जोड़ा गया है वाइल से. वाइल कामनी वाज सिंगिंग, लता वाज डांसिंग. जिस समय में पत्र लिखा जा रहा था, मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया. अब जैसे बुलाया आया, ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस में आ जाएगा. और लिखा जा रहा था, इसमें दो सेंटेंस है. पहला जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस का है, दूसरा जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट का है. तो उसी के अनुसार इनका ट्रांसलेशन भी होगा. तो जब इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, प्लस वाजवेयर होगा, प्लस वर्ब आईएनजी होगा. यहां पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर हो गया. जैसे, और ध्यान देने वाली बात है कि वाज किसके साथ लगता है? ही शी इट सिंगुलर नाउन, मतलब नेम किसी का हो. ही शी इट, ही शी इट, किसी का नेम या कोई भी सिंगुलर नाउन, ये पांच के साथ वाज लगता है. बाकी सारे प्लूरल के साथ वेयर लगता है. और नोट करने वाली बात यह है कि आई के साथ भी वेयर ही लगता है. ठीक है, इस टेंस में अंग्रेजी में अनुवाद करते समय वर्ब का आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कार्य की निरंतरता को प्रदर्शित करता है. जैसे वह चाय पी रहा था, दैट मीन्स ही वाज टेकिंग टी. चाय पीने के लिए ड्रिंकिंग टी जो है वर्ड यूज नहीं होता है. ड्रिंकिंग हम वाटर के लिए कर सकते हैं, नहीं तो ड्रिंकिंग लीकर के लिए होता है. कुछ न लिखिए ही वाज ड्रिंकिंग, सिंपली लिखिए ही वाज ड्रिंकिंग, मतलब वो लीकर पी रहा था. तो जब टी का बात, जब भी हम सेंटेंस में टी फॉर्म लिखेंगे तो टेकिंग टी होगा. आई एम टेकिंग टी, ही वाज टेकिंग टी. वे जा रहे थे, दे वेयर गोइंग. हवा चल रही थी, द विंड वाज ब्लोइंग. वह मेरी तरफ देख रही थी, शी वॉज लुकिंग एट मी. ही वॉज प्रेजिंग यू, वह आपकी तारीफ कर रही थी. सी, देखिए यहां पर क्या हो गया है, वेयर के साथ आई जोड़ा गया है. ये आई जो है यहीं पर रहेगा, आई वॉज गोइंग होगा. किसी 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 ऐसे पेक्यूलियर सेंटेंस बनते हैं, उसमें लगता है, उसमें आई लगता है. तो आई एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ वाज भी लगता है, मोस्टली वाज लगता है. आई के साथ मोस्टली वाज लगता है और आई के साथ वेयर कभी कभी लगता है, उसका हम देखेंगे कब लगता है.
नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, वाज और वेयर के बाद नॉट लगा दीजिए। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे उस समय भी हम इज और आर के बाद से नॉट लगाते थे। सो वह चाहे नहीं पी रहा है के बाद क्या करेंगे, ही वाज नॉट टेकिंग टी। वाज और वेयर के बाद नॉट लगा दीजिए, दे वेयर नॉट गोइंग, वेयर के बाद नॉट लगा दीजिए। हवा नहीं चल रही थी, द विंड वाज नॉट ब्लोइंग। हवा जो है, हवा चलना को ब्लो कहते हैं, हवा चलना को गो नहीं कहते। द विंड वाज नॉट गोइंग ये गलत हो जाएगा। तो इस थोड़ा सा टेक्निकलिटी जो है उसको भी समझना है सेंटेंस का। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, शी वाज नॉट लुकिंग एट मी। वो आपकी तारीफ नहीं कर रहा था, ही वाज नॉट प्रेजिंग यू। इसके बाद से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि प्रश्न पहले पूछा गया है या बीच में। यदि पहले पूछा गया हो तो वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, तथा अगर बीच में पूछा गया हो तो डब्ल्यू एच का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, फिर वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। इसमें दोनों को हमने ऐड कर दिया है। वाई वाज ही टेकिंग टी, वह चाय क्यों पी रहा था, भूख लगी थी और किस लिए। क्या वे जा रहे थे, वेयर दे गोइंग। यहां पर देखिए, यहां पर वेयर दे गोइंग नहीं, ये क्या वे जा रहे थे का वेयर दे गोइंग होगा। वे कहां जा रहे थे जब पहुंच होगा तब वेयर दे गोइंग होगा। वेयर दे गोइंग, ये डब्ल्यू गलत है, ये डब्ल्यू एच हटा दीजिए। वेयर दे गोइंग, क्या हवा चल रही थी, वाज द विंड ब्लोइंग। वो मेरी तरफ क्यों देख रही थी, वाई वाज शी लुकिंग एट मी। क्या वह आपकी तारीफ कर रहा था, वाज ही प्रेजिंग। जब आपको वाई वेयर हुज होम आए तो उनको सेंटेंस में सबसे पहले लगाना है, नहीं आए तो वाज वेयर को सबसे पहले लगाना है। दोनों है तो पहले वाई लगाइए फिर वाज लगाइए। वाई वाज शी लुकिंग एट मी, ये करेक्ट सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। यहां पर वाज और वेयर के बाद नॉट नहीं लगता, यहां पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्दों में ध्यान रखा जाता है कि प्रश्न पहले पूछा गया है या बीच में। पहले हो तो वाज वेयर के प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करते हैं, और नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद, और बीच में हो तो डब्ल्यू एच का प्रयोग सबसे पहले करते हैं फिर वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। मतलब डब्ल्यू एच फॉर्म के जितने भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उनको सबसे पहले लाना है अगर है तो। वह चाय क्यों नहीं पी रहा था, why was he not taking tea। तो देखिए, why was he not taking tea, सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है। एक एक शॉर्ट फॉर्म भी आता है, wasn't। शॉर्ट फॉर्म जब आएगा तो ये यहाँ किसके साथ अटैच हो सकता है उसको हम आपको सिखाए नहीं है, इसलिए हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी के लिए इतना ही समझिए कि यहाँ पर नॉट जो होगा वो सब्जेक्ट के बाद होगा। क्या वे नहीं जा रहे थे, वेयर दे नॉट गोइंग। क्या हवा नहीं चल रही थी, वाज द विंड नॉट ब्लोइंग। तो इस तरीके से आपका जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही एक रिप्लिका है, एक कॉपी है, एक शैडो है। अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ लिया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम लगा करके वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वेयर लगा करके वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। इतना ही तो फर्क है। क्यों फर्क है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा के बाद है होता है, तो है होता है तो इज आर एम होगा, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा के बाद था होता है तो था है तो वाज वेयर होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिनको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया हो उनको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत लग रहा है एक बार पुनः प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखें, ये चैप्टर आपके लिए चुटकियों में आसान हो जाएगा। फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए जय श्री राम।